पिंपरी चिंचवाड़ में मस्जिद अवैध थी इसलिए उसे बुलडोजर से तोड़ा गया। फरुखाबाद में घर अवैध थे इसलिए बुलडोजर से गिराए गए। धारावी में मस्जिद का ऊपरी हिस्सा अवैध था इसलिए हाथों से तोड़कर गिराया गया। लोकेशन अलग अलग है, एक्शन का तरीका भी अलग अलग है, मगर वोट बैंक की सियासत का पैटर्न एक जैसा है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मस्जिद के अवैध अतिक्रमण पर ओवैसी नैरेटिव सेट कर रहे हैं और फर्रुखाबाद में नियम कायदों को ताक पर रखकर बनाए गए मकान ध्वस्त हुए तो अखिलेश को दर्द होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई थी, मगर ये फैसला केवल आपराधिक मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित था। सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई थी। इन तीनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया और उसके हिसाब से ही कार्रवाई की गई। लेकिन इन मामलों में भी असदुद्दीन ओवैसी मजहब तो अखिलेश यादव जाति का एंगल खोज ही लाए। फर्रुखाबाद के उखरा गांव में जिन घरों पर योगी का एक्शन हुआ वो 100 बीघा जमीन पावर प्लांट के लिए आवंटित थी, मगर एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया और पक्के मकान बना लिए। प्रशासन ने कई बार जमीन खाली करने को कहा, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार 5 जेसीबी मशीनों के जरिए मकानों को तोड़ दिया गया। पहले दिन 18 अवैध मकानों को हटाया गया। सोमवार को 5 और मकान गिराए जाने थे, मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जैसे ही पता चला कि बंजर जमीन पर कब्जा करने वालों के सरनेम में यादव जुड़ा है, यहाँ रहने वाले सभी लोग यादव जाति से जाते हैं, तो फिर लंबी चौड़ी शब्दावली के साथ नैरेटिव सेट करने लगे। इसके बाद समाजवादियों के पलटन ने मोर्चा संभाल लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एंटी यादव बताने लगे। नियमों के तहत हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाने लगे। इस माहौल का नेगेटिव रिजल्ट ये हुआ कि सोमवार को बुलडोजर एक्शन करने पहुंचे लेखपाल की पिटाई कर दी गई। आरोपों के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अतिक्रमण जो हटाया गया और वहाँ पे अवैध जो कब्जेदार थे उनके द्वारा एक लॉबी बना के हमारे लेखपालों पर जानलेवा हमला किया गया, जो जैसा लेखपालों के द्वारा हमें बताया गया है कि उनके अभिलेख भी छीन लिए गए हैं, उनका खसरा नक्शा भी लापता है और चोटें आई हैं लेखपालों को। लेखपाल हैं सौरभ पांडे, उनको काफी चोटें आई हैं और दूसरा रुद्र है उसको भी मारपीटी की गई है। समाजवादी पार्टी ये कहकर अवैध अतिक्रमण को वैध ठहरा रही है कि वो कई सालों से रह रहे थे, लेकिन क्या इससे गारंटी मिल जाती है कि सरकारी जमीन पर जहां चाहें वहां मनमर्जी कब्जा कर लिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम अवैध निर्माण के बीच में नहीं आएंगे। सार्वजनिक सड़क या जगह पर किसी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। फुटपाथ के लिए तो हम कहेंगे कि नोटिस भी जरूरी नहीं है, अगर कोई धार्मिक ढांचा भी है तो उसे गिरा सकते हैं। अखिलेश यादव ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बगैर नोटिस के बुलडोजर चलाया गया। पलटवार में बीजेपी पूछ रही है कि क्या सरकारी जमीन पर पूछ कर अतिक्रमण किया गया था। नियमावली से जो कार्रवाई है वो सरकार करने के लिए सुरक्षित है, सरकार को उसका परमिशन है। मुझे लगता है जो कार्रवाई हुई वो न्याय सम्मत है, विधि सम्मत है, और ये बयान केवल वोटर को एक जाति से आकर्षित करने के लिए, लगातार वो जाति जाति चिल्लाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं, हर चीज को चुनाव से जोड़ना और एक जाति वर्ग या धर्म विशेष के वोट लेने के लिए इस तरह का वो लंदन में बैठ के ट्वीट करते हैं। यूपी में बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव को अपनी पॉलिटिक्स की उम्मीद दिखती है। पीडीए के नाम पर उनकी अंतरात्मा जाग जाती है। जाति वाला ये नैरेटिव अखिलेश इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 27 के चुनाव में इसी की बदौलत सत्ता वापसी का सपना पाले हुए हैं। अखिलेश को लगता है कि मुसलमान और यादव के इस इक्वेशन में पिछड़ा जुड़ जाएगा तो फिर योगी सरकार से टकराना उनके लिए बेहद आसान रहेगा। हालांकि योगी इसका माकूल जवाब भी दे रहे हैं। यूपी में अखिलेश को चुनावी चिंता है तो असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक की खातिर नई नई थ्योरी समेट रहे हैं। मदरसे की आड़ में जिस ढांचे को खड़ा कर दिया गया उसे पिंपरी चिंचवाड़ की नगर पालिका ने बुलडोजर से गिरा दिया। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट भी गया जहां अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके लिए धार्मिक स्थल पर कार्रवाई के लिए किसी तरह की अनुमति को भी जरूरी नहीं माना।
बावजूद इसके महानगर पालिका ने नोटिस दिया और जब कार्रवाई नहीं हुई तो फिर अवैध हिस्से को हटा दिया गया। मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने विरोध की कोशिश की मगर पुलिस फोर्स ने सब कुछ संभाल लिया। इसके बाद ओवैसी ने इस कार्रवाई को अपनी सुविधा के हिसाब से नाइंसाफी बताया। बाकायदा बताया कि केवल मस्जिद पर ही एक्शन हुआ जबकि आसपास बगैर परमिशन के हजारों मकान थे। उनको अपने मदरसों से नफरत, हमारी मस्जिदों से नफरत, हमारी नमाज से नफरत, हमारे वक्फ की जमीनों से नफरत, तो वो नफरत का जो मुजाहरा है वो आप तमाम देख रहे हैं, देश दुनिया देख रही है। और उसका एक ये भी है कि बस हम किसी भी तरह मुसलमानों की मस्जिदों को मदरसों को करेंगे। पुणे चिंचवाड़ के अंदर भी हुआ, वहां पर भी एक मस्जिद थी, उसको इलीगल अतिक्रमण बता के वो लोगों ने वो कर दिया, जबकि उसके आजू बाजू जो हजारों के ज्यादा घर है उनको नोटिस भी नहीं दिया राइट विंगर्स ने। बस सिर्फ मस्जिद है तो बस मस्जिद को ही हम टच करेंगे, मस्जिद को ही इलीगल अतिक्रमण बता के करेंगे। मस्जिद अगर अवैध बना हुआ है, यानी मान रहे हैं कि मस्जिद अवैध बना हुआ है, जो अवैध बना हुआ है उसे तोड़ना ही चाहिए। भारत में बंटवारे के बाद 2,500 मस्जिदों से 3,00,000 मस्जिद से ऊपर बन गए और खास करके बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पर अवैध मस्जिदों का जखीरा है, इसको पहचान करके इसको जल्द से जल्द तोड़ना चाहिए। धारावी की महबूबे सुभानिया मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर भी एंटी बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश की गई लेकिन जब दाल नहीं गली तो फिर मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध हिस्से को हटाना शुरू कर दिया। बीएमसी ने 21 सितंबर को 8 से 10 दिनों की मोहलत दी थी, डेडलाइन करीब आते ही उस पर मजबूरन अमल करना पड़ा। इस वक्त मैं मुंबई के धारावी इलाके में हूं और जिस मस्जिद को लेकर के पिछले दिनों यहां पर हंगामा हुआ था वहां के अगर मैं आपको ताजा अपडेट दिखाने की कोशिश करूं तो जिस मस्जिद को बीएमसी ने अवैध करार दिया था और तोड़क कार्रवाई के लिए आए थे, जिसके बाद जो मुस्लिम समाज है वो भड़क उठा था, जिसने यहां पर आंदोलन तक किया था, अब मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से जो है उन्होंने खुद ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो तोड़क कार्रवाई है खुद मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से की जा रही है। निश्चित तौर पर ये इन्हें वार्निंग दी गई थी कि अगर वो तोड़क कार्रवाई खुद से नहीं करते हैं तो खुद बीएमसी को जो हथौड़ा चलाना पड़ेगा, बुलडोजर चलाना पड़ेगा, लेकिन अब खुद मस्जिद ट्रस्ट के ने जो है कुछ मजदूरों को बुलाया जो गुंबद पर बैठ करके हथौड़ा चला गए और मस्जिद का जो अतिक्रमण का जो हिस्सा है उसे हटाने की शुरुआत कर दी गई है। धारावी की महबूब सुभानिया मस्जिद को बीएमसी ने 3 मंजिल तक बनाने की इजाजत दी थी लेकिन मनमानी करते हुए 5 फ्लोर खड़े कर दिए। मस्जिद ट्रस्ट ने दावा किया कि 25 साल पुरानी हो चुकी है लेकिन बीएमसी ने ऊपर के 2 फ्लोर गिराने का नोटिस दे दिया। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन फिर अवैध निर्माण को हटाने का आश्वासन दे दिया। कई फीट ऊंची मीनार के हिस्से को ग्रीन कर्टन से कवर किया और लकड़ी लगाकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। मैं आपको और एक बात बता दूं कि वास्तव में ये मस्जिद है ही नहीं। यहाँ पर जमीन के 3 टुकड़े थे, एक था 17x18 फुट सरदार अली खुर्शीद का, दूसरा 11x10 फुट इकबाल अहमद का, तीसरा 13x7 फुट कुरिल गंगाधीन का। ये महबूब सुभानिया ने खरीद लिए, 350 स्क्वायर फीट बांधकाम होना था, उसके बदले में 1200 स्क्वायर फीट 40 फुट ऊंची मस्जिद बना दी। सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर एक्शन किस राज्य में हो रहा है, सवाल ये है कि बुलडोजर के बहाने अवैध अतिक्रमण का बचाव क्यों हो रहा है। अगर कोर्ट भी दखल देने से इनकार करता है तो फिर इन नेताओं का जमीर किस बिना पर जाग उठता है। गुजरात के गीर सोमनाथ जिले में हुई बुलडोजर कार्रवाई को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। दलील ये थी कि बिना किसी नोटिस के धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, बाकी बचे स्थानों को भी इस तरह तोड़ दिया जाएगा। वोट बैंक का ये चरित्र यहां 9 मस्जिदों को गिराने के बाद दिखा मगर ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि 320 करोड़ की जमीन पर कब्जा करने का लाइसेंस किसने दिया। धारावी से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।